Alright friends, now we are starting a very important topic, and this is your chapter number 5, job and batch costing. बराबर, तो इसका मैंने solution book में theory आपका cover किया है. इसका theoretical part मैंने solution book में page number 5.1 पे, आप जरा देखिए solution book आप हमारी ले लीजिए soft copy, उस पर 5.1 आपको दे रखा है, 5.1 पेज वहां से मैंने start किया है. मीनिंग ऑफ जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ये सिमिलर टू आपका कॉस्ट शीट जैसा ही है. मीनिंग ऑफ जॉब एंड बैच कॉस्ट शीट, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब एंड बैच. ये क्या रहेगा फ्रेंड्स, इट इज ए स्टेटमेंट विच इज शोइंग टोटल कॉस्ट ऑफ जॉब एंड बैच. नाउ मीनिंग ऑफ टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इट इज इक्वल टू डायरेक्ट कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट. क्या रहेगा, जैसे वहां पे था वैसे यहां पे रहेगा, डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट. मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जॉब एंड बैच इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट. फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसिस. एनी एक्सपेंस विच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू जॉब एंड बैच इज नोन एज डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस. मीनिंग ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट, एनी एक्सपेंस विच इज रिलेटेड टू जॉब एंड बैच बट नॉट डायरेक्टली इज नोन एज इनडायरेक्ट कॉस्ट. फॉर इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसिस. नाउ नोट, कॉस्ट शीट इज ऑलवेज, नाउ यहां पे बहुत ध्यान देना है आपको, कॉस्ट शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय ए मेन मैन्युफैक्चरर. ओके, बट जॉब एंड बैच कॉस्ट शीट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड बाय ए सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर. मतलब जैसे सपोज अभी मेरा का टैबलेट बनाने, आई एम ए मैन्युफैक्चरर राइट, और या मेरा टैबलेट बनाने का काम है, मैंने टैबलेट का प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन उस पर अगर मेरे को रैपर कराना है और मैंने किसी को दे दिया रैपर लगाने के लिए, तो वो पर्सन मुझे कैसे बताएगा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द रैपर. उसको भी क्या करना पड़ेगा, एक जॉब और बैच कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ऑर नॉट. सपोज आपका रैपर है, रैपर में, या सपोज आपको कोई प्रिंटिंग जॉब देना है, एक पर्टिकुलर जॉब अगर आपको देना है, तो वो कैसे बताएगा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द लाइक यू नो प्रोडक्ट. जैसे सपोज मेरा गारमेंट का काम है, शर्ट, ये टी शर्ट मैंने बना लिया, लेकिन बटन्स बनाने के लिए किसी को दे दिया, उसको लगा बटन बना के दो, बटन लगा के दो टी शर्ट में, वो कैसे बताएगा कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, आपको जॉब एंड बाकी एग्जैक्टली सिमिलर आपका कंसेप्ट, आपका फॉर्मेट, एवरीथिंग इज ए कॉस्ट शीट ओनली यहाँ पे. लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, इन दिस टॉपिक अवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जॉब एंड बैच, बट अवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ जॉब एंड बैच. इन दिस टॉपिक अवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जॉब एंड बैच, बट अवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ जॉब एंड बैच. फॉर एग्जाम्पल, इफ इन द क्वेश्चन रिकवरी रेट इज गिवन विद द एक्चुअल ओवरहेड, देन वी शुड कंसिडर द रिकवरी रेट एंड नॉट द एक्चुअल एक्सपेंसेस. कभी कभी आपको फैक्ट्री ओवरहेड का एक्चुअल फिगर देगा, ओके, और उसके साथ साथ बोलेगा फैक्ट्री ओवरहेड 20% ऑफ से वेजेस, तो आपको 20% ऑफ वेजेस कंसिडर करना है, ना कि एक्चुअल एक्सपेंसेस. एक्चुअल एक्सपेंस नहीं लेने हैं अपने को, क्या लेना है. सो अवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट, अवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट. बाकी का एग्जैक्टली दिस इज सिमिलर टू आपका ये कॉस्ट शीट का जैसा फॉर्मेट था अपना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन ओपनिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो सब सेलिंग ओवरहेड, सेल्स आपका सेम रहेगा. ठीक है, आप जरा देखिए, जस्ट यू रिफर, आप निकालिए फ्रेंड क्वेश्चन बुक में, क्वेश्चन नंबर 1 आप निकालिए, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 33 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन बुक में आपका रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड पेज नंबर 33 फ्रॉम क्वेश्चन बुक, एंड सॉल्यूशन बुक में आपका रहेगा ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 5.1 इन सॉल्यूशन बुक. सही है सुनो, सही है सुनो फ्रेंड्स, ओके.
क्वेश्चन नंबर वन पेज नंबर 33, एक बार मैं रीड करता हूँ, आप समझिए जरा। ए फैक्ट्री विच यूटिलाइजेज जॉब कॉस्टिंग सिस्टम मेक्स अवेलेबल द फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। डायरेक्ट मटेरियल 90,000, डायरेक्ट वेजेस 75,000, प्रॉफिट 60,900, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड 52,500, एडमिन ओवरहेड 42,000, फैक्ट्री ओवरहेड 45,000। प्रिपेयर जॉब कॉस्ट शीट इंडिकेटिंग द प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड सेल्स वैल्यू। इन 2016 एंड 17 फैक्ट्री हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ए नंबर ऑफ जॉब। इट इज एस्टिमेटेड दैट द डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड इज 1,20,000, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 75,000। वॉट शुड बी द प्राइस ऑफ दी जॉब इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, एज्यूमिंग दैट द सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन गो अप बाय 15%। द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट बेस्ड ऑन द कॉस्ट रेट्स प्रिवेलिंग इन द प्रीवियस ईयर। सही है सर, राइट। पहले फॉर्मेट अपन बना लेते हैं, राइट। ये आपका बन जाएगा फ्रेंड्स, पहले आप फॉर्मेट पर बना लीजिए। इट मीन्स दिस इज योर स्टेटमेंट शोइंग जॉब कॉस्ट। या तो आप अलग अलग भी बना सकते हो या एक आप कंबाइन करके भी बना सकते हो। मैंने सॉल्यूशन बुक में अलग अलग बनाया है, मैं यहाँ पे आपको कंबाइन करके बता देता हूँ ताकि एग्जाम में यू कैन सेव योर टाइम। अप टू यू, जैसे भी आपको बनाना है हम बना सकते हो, राइट। ठीक है, दिस इज 31/3/2016, ये आपका है एक्चुअल, एंड 2016 एंड 17 ये आपका है एस्टिमेटेड। फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट, फॉर्मेट इज सेम, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों से मिलके प्राइम कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड्स, देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग WIP, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आपका आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। सही है सोना फ्रेंड्स, पहला अपन ने क्या ले लिया बोलो, स्टेटमेंट स्विंग 31/3/2016, 16/17 एक्चुअल है, ये एस्टिमेटेड है ₹। पहला इज ए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मिलके आपका क्या हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स एंड ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट। और सेकेंड आपका हो गया फ्रेंड्स, दिस वन इज ए डायरेक्ट कॉस्ट और सेकेंड आपका हो गया इनडायरेक्ट कॉस्ट। सही है सर, अब आप आगे आ जाइए, फैक्ट्री कॉस्ट तक हम लोग पहुंच गए। देयर इज नो ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, इसके लिए मैंने लिखा नहीं है। देन एड एडमिन ओवरहेड, प्राइम कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट एंड इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग एंड
डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट एंड सेल्स। सही है सुना। तो पहले अपन लास्ट ईयर का पहले एक बार देख लेते हैं। व्हाट इज द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 31/3/2016 में फ्रेंड्स, इज 90,000। सही है सुनो। आपका डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट लेबर इज 75। डायरेक्ट एक्सपेंस आपका नहीं है, 90 + 75 इज 165। देन आपका आता है फैक्ट्री 45। 165 + 45 इज 210। एडमिन ओवरहेड्स 42,000। 210 + 42 इज 252। देन एडमिन आपका हो गया। देन सेलिंग ओवरहेड 52, 552.5 इज 304। 500 एंड देन द प्रॉफिट इज 60,900। 60.9 इज 365.4। यहाँ तक आपका आ गया फ्रेंड्स। बोलो ये आपको क्या दे रखा है। ये मटेरियल कॉस्ट डायरेक्टली अपन का गिवन है, देन डायरेक्ट लेबर गिवन है, ये आपका आ जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट ये आपका आ जाएगा 210। देन यू गो टू 210 में फिर हमने एडमिन ओवरहेड ऐड किया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, सेलिंग ओवरहेड, दिस एंड दिस एंड दिस। अब इसके बेस पर ही आपको बनाना है। इन 2016-17 द फैक्ट्री हैज रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर ए नंबर ऑफ जॉब। इट इज एस्टिमेटेड दैट डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड विल बी 1,20,000। अब आपका डायरेक्ट मटेरियल लगेगा 1,20,000 आपका। हाउ मच इज द डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड इज 1,20,000। उसके बाद क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, एंड आपका डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 75,000। इट मीन्स 120 + 75 = 195। अब आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड के लिए नहीं है, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास नहीं है। इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा नोट नंबर 1। तो आपको मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड नहीं है, रेफर करिए नोट नंबर 1। राइट, ये आप ले लीजिए नोट नंबर 2। सेलिंग ओवरहेड रिफर नोट नंबर 3 एंड आपका सेलिंग ओवरहेड नोट नंबर 3 एंड प्रॉफिट नोट नंबर 4। सही है सर। पहला आप आ जाइए नोट नंबर 1 आपका, कीजिए फैक्ट्री ओवरहेड, दिस इज योर नोट नंबर 1। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, मटेरियल रिक्वायर्ड 1,20,000 एंड डायरेक्ट लेबर विल कॉस्ट 75,000। व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ दिस जॉब इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स, अज्यूमिंग दैट the selling and distribution overhead will go up by 15%. The factory recovers factory overhead as a percentage of
डायरेक्ट वेजेस. इट मीन्स रिमेंबर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बोला था देर आर फोर मेथड्स फॉर रिकवरी ऑफ ओवरहेड्स. फर्स्ट बोलो ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट्स, सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स, थर्ड ऑन द बेसिस नंबर ऑफ डेज, वीक्स, ईयर और मंथ, फोर मीन्स एनी अदर मेथड. तो उसका एनी अदर मेथड में पहले क्या था, इट मीन्स योर फैक्ट्री ओवरहेड्स, इट मीन्स रिकवरी रेट इक्वल टू फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय वेजेस इनटू 100. व्हाट इज योर फैक्ट्री ओवरहेड लास्ट टाइम 2000, इस फैक्ट्री ओवरहेड इज 45, वेजेज इज 75, 45 एंड 75 इंटू 100. सो योर रिकवरी रेट, दिस इज अ पोजिशन ऑफ 2016. ओके, इट मीन्स 45 बाई 75 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 60%. फैक्ट्री ओवरहेड आपका क्या हो जाएगा, 60%. अब 2016 एंड 17 मीन्स जो एस्टिमेटेड वाला है उसमें भी आपको सेम लेना है 60% ऑफ. व्हाट इज द वेजेस, 75,000. देखो वेजेस क्या है, एस्टिमेटेड वाले का वेजेस क्या है 75 का 60%, 75 का 60% विल बी 45. तो दिस कम्स टू 45, सो 195 प्लस 45 विल बी 240,000. 240,000 आपका क्या हो जाएगा बोलो, फैक्ट्री कॉस्ट. 240,000 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, फैक्ट्री कॉस्ट. मींस सेम जो रेट आपका 16 में था, जो रेट आपका 16 में था वही रेट आपको 17 में अप्लाई करना है. द फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज, दिस इज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेज. सही है, सुनो, एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस. सही है, सुनो. अब आप आ जाइए नेक्स्ट, दिस इज योर नोट नंबर टू फॉर एडमिन ओवरहेड. क्या बोल रहे हैं, फैक्ट्री रिकवर्स फैक्ट्री ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, एडमिन एंड सेलिंग ओवरहेड एज ए परसेंटेज ऑफ वर्क्स कॉस्ट. इट मींस एडमिन ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्क्स कॉस्ट, और इसी को बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट इनटू 100. ये आपका क्या हो जाएगा, रिकवरी रेट, रिकवरी रेट ऑफ एडमिन ओवरहेड. एडमिन ओवरहेड का रिकवरी रेट, तो पहले 2016 का अपन देख लेते हैं. 2016 में अपन ने क्या किया था फ्रेंड्स, 42,000 एंड 210,000. फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 210, ओवरहेड कितना है 42. इट मींस 42 डिवाइडेड बाय 210,000 इनटू 100. इट मींस 42 डिवाइडेड बाय 210 इनटू 100 एंड दिस कम्स टू 20%. ओके, तो अब हो जाएगा आपका 2016-17 में 20%. अब फैक्ट्री कॉस्ट आपका क्या है फ्रेंड्स, देखो जरा एस्टिमेटेड में आपका फैक्ट्री कॉस्ट 240,000, 240 आया है. सो 240 का 20%, 240 का 20% इज 48,000. ये 16-17 के लिए 48,000.
48,000. So 240 plus 48 will be 288,000. Selling overhead के लिए क्या बोल रहे हैं? This is your note number 3. Selling and distribution overhead. Then recovery rate equal to selling and distribution overhead divided by works cost into 100. Okay, क्या था आपका? This is recovery rate for 2016 में आपका क्या था फ्रेंड्स? सेलिंग ओवरहेड था 52,500 डिवाइडेड बाई 210,000. 52,500 डिवाइडेड बाई 210,000 इंटू 100. इट मीन्स 52,500 डिवाइडेड बाई 210,000 इंटू 100 एंड दिस कम्स टू 25%. नाउ 2016 एंड 17 सेम रेट ये लोग अप्लाई करने को बोल रहे हैं. इट मीन्स क्या है अपना 240,000 इंटू 25%. 240,000 इंटू 25% इज 60. यस, और ये क्या बोल रहे हैं कि इसमें दे आर इंक्रीजिंग ऑल्सो. कितने से इंक्रीज कर रहा है? कितने से इंक्रीज कर रहा है अपने को बोलो. दे आर इंक्रीजिंग सेलिंग ओवरहेड बाय 15%. 15% ऑफ 60,000 विल बी 9,000. दिस कम्स टू 69,000. आपका सेलिंग ओवरहेड हो जाएगा 69,000. This will be your 69,000. So 288 plus 69 is 357. Okay. अब क्या बोल रहा है फ्रेंड्स? नोट नंबर 4 लास्ट आपका. दिस इज योर नोट नंबर 4. मेटेरियल रिक्वायर्ड 120,000, डायरेक्ट लेबर विल कॉस्ट 75,000. वॉट शुड बी द प्राइस ऑफ दिस जॉब इफ द फैक्ट्री इंटेंड्स टू अर्न द सेम रेट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्स. क्या था लास्ट टाइम आपका सेल्स पे प्रॉफिट? प्रॉफिट 60,900, सेल्स 365,400. प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100 विल बी परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इन 2016. प्रॉफिट इज 60,900, सेल्स है आपका 60,900, सेल्स है आपका 365,400 into 100. 6900 divided by 365,400 into 100. It means 16.666666 or 16.67. If your selling price is 100, your profit is 16.67, so your cost will be 83.3%. अब आपका cost क्या आ रहा है? Cost of sales, estimated cost of sales 357. Estimated cost of sales is 357. तो profit अपना क्या हो जाएगा friends?
इंटू 16.6666 डिवाइडेड बाई 83.3 इट मीन्स 357 डिवाइडेड बाई 357 डिवाइडेड बाई 83.33 इंटू 16.67 इज 357,000 इंटू 16.6666666666 डिवाइडेड बाई 83.33333333 पूरा आप एग्जैक्ट लेंगे तो 71,400 आपको आएगा, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 71,400 तो सेल हो जाएगा 357 प्लस 71,400 इज 4284 हुआ क्लियर। एग्जैक्टली सिमिलर टू कॉस्ट शीट ही है आपको, पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस तो कुछ है नहीं, तो आपका प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, और उसने बोला कि जो रेट लास्ट टाइम था वही रेट आपको लगाना है, फैक्ट्री कॉस्ट आपका आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वही सेम फॉर्मेट है, सेलिंग ओवरहेड, कॉस्ट ऑफ सेल्स, प्रॉफिट सेल्स आपका ही आ जाए। बोलो या सुनो परफेक्टली क्लियर हो, परफेक्टली आपको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? बोलो। अब आपको बहुत कॉन्सेप्चुअल, और ये चीज क्या है आपको हर जगह आएगी, जॉब एंड बैच, कल को आप ऑडिटर बनेंगे, WIP का आपको वैल्यूएशन करना है, कैसे करोगे करके, आपको लॉजिक एकदम पता होना ही चाहिए करके ना। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स, जस्ट यू रिफर, बहुत ही कंसेप्चुअल है, छोटा क्वेश्चन है लेकिन बहुत कंसेप्चुअल है, योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड पेज नंबर 33, दिस इज फ्रॉम क्वेश्चन बुक एंड क्वेश्चन नंबर टू पेज नंबर 5.3 इज फ्रॉम सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बुक, ये आपका क्वेश्चन बुक, सही है सुनो, कैन यू रिफर, देखो जरा क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 2 पेज नंबर 33 मिला फ्रेंड्स, मयूर इंजीनियरिंग वाला क्वेश्चन है, आप जरा देखिए, मयूर इंजीनियरिंग एंगेज इन ए जॉब वर्क हैज कंप्लीटेड ऑल द जॉब इन हैंड ऑन 30 दिसंबर 2016 को जितने भी जॉब हाथ में थे वो सब कंप्लीट कर दिए, एक्सेप्ट जॉब नंबर 447, जॉब नंबर 447 आपका बाकी है। द कॉस्ट शीट ऑन 31st दिसंबर शोड द डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, अब 31st दिसंबर को ये 30 द कॉस्ट शीट ऑन 30th दिसंबर सो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 40,000 and 30,000 एज एन बीन इनकर्ड, द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस ऑन 31st दिसंबर 2016 द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, मींस ये 30th दिसंबर तक आपको ये दे रखा है, ओके, द कॉस्ट शीट ऑन 30th दिसंबर शोड मीन्स 30 दिसंबर तक आपको दे रखा है, 30th दिसंबर तक कि डायरेक्ट मटेरियल यूज हुआ है 40,000 और डायरेक्ट वेजेज यूज हुआ है 30,000,
कॉस्ट शीट ऑन 30th दिसंबर शोड दैट द डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट इज 40,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली एज हैविंग बीन इनकर्ड इन जॉब नंबर 447. द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस ऑन 30th दिसंबर 2000 नाउ 31st दिसंबर 2016 लास्ट डे ऑफ द ईयर आपने क्या क्या इनकर किया है 2000 डायरेक्ट मटेरियल 8,000 डायरेक्ट लेबर इनडायरेक्ट लेबर 2,000 और मिसलिनियस फैक्ट्री ओवर मींस आपके पास ये 447 जो जॉब है वो आपके प्रोग्रेस में है 30th दिसंबर तक आपको कॉस्ट आपने इनकर किया है डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर और 31st दिसंबर को भी आपके पास है आपने डायरेक्ट मटेरियल इनकर किया है डायरेक्ट लेबर किया है और इनडायरेक्ट आपने ये किया है इनडायरेक्ट आपने किया है लेबर है आपके पास इनडायरेक्ट आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस टू मेक द जॉब एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इसका मतलब अगर मैंने आपको क्या बताया था कि इफ द रिकवरी रेट इज गिवन नाउ इनडायरेक्ट लेबर एंड आपका मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड ये दोनों किसके पार्ट हैं ये दोनों फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट हैं और एक्चुअल अपने को एक्सपेंसेस दे रखा है 31 दिसंबर को. देखो आपको ये आपको दे रखा है इनडायरेक्ट लेबर दिस इज 2000 आपको दे रखा है एक्चुअल ये कभी का पोजीशन है 31/12 ओके. देन आपको मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड भी दे रखा है मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड कितना दे रखा है 3000 ये भी कभी का पार्ट है दिस इज एक्चुअल. लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि एक्चुअल कंसीडर नहीं करना है क्यों क्योंकि क्वेश्चन में बोला है क्योंकि ये दोनों क्या होंगे आपके फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट होंगे आपका इनडायरेक्ट लेबर भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड भी फैक्ट्री ओवरहेड में जाएगा. उसकी जगह आपको क्या दे रखा है कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द बिजनेस टू मेक द जॉब एब्जॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. इट मींस योर फैक्ट्री ओवरहेड एट द रेट ऑफ 120% ऑफ डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. अगर आपको रिकवरी रेट दे रखा है क्वेश्चन में दिस इज व्हाट योर रिकवरी रेट अगर आपको क्वेश्चन में रिकवरी रेट दे रखा है देन यू शुड कंसिडर द रिकवरी रेट एंड नॉट द एक्चुअल. ये आपको एक्चुअल एक्सपेंसेस लेने की जरूरत नहीं है वी विल कंसिडर ओनली द रिकवरी रेट. यही आपको मेन ध्यान रखना है ये दोनों एक्सपेंस फैक्ट्री ओवरहेड के पार्ट है दोनों के एक्चुअल एक्सपेंसेस दे रखे हैं हमको वो नहीं लेना है हमको क्या लेना है 120% ऑफ दिस कॉस्ट 120% डायरेक्ट. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ WIP जॉब 447 है 2 मिनट का क्वेश्चन लेकिन ये जो पार्ट है इससे पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम दानिकी कॉस्टिंग इससे पता चलेगा एग्जामिनर को यू आर फ्रॉम दी बात कंसेप्चुअल पार्ट में आपको बोल रहा हूं. इफ द रिकवरी रेट इज गिवन मैंने आपको सॉल्यूशन बुक में बोला है सॉल्यूशन बुक में अंडरलाइन करो आप पॉइंट नंबर 2 पेज नंबर 5.2 पॉइंट नंबर टू पेज नंबर 5.1 इफ द रिकवरी रेट देखो जरा इन दिस टॉपिक आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जॉब इन दिस टॉपिक आवर ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ जॉब और बैच बट आवर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड आउट व्हाट इज द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ जॉब इन बैच. फॉर एग्जाम्पल इफ इन द क्वेश्चन रिकवरी रेट इज गिवन विद द एक्चुअल ओवरहेड इफ इन द क्वेश्चन रिकवरी रेट इज गिवन विद द एक्चुअल ओवरहेड देन वी शुड कंसिडर द रिकवरी रेट एंड नॉट द एक्चुअल एक्चुअल एक्सपेंसेज को रिकवर नहीं कंसिडर करना है क्या कंसिडर करना है यहां पे आपको मेन है बच्चे लोग यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं उनका कंसेप्चुअल इतना नहीं है कॉन्सेप्चुअली उनको सिखाने वाला कोई नहीं है. ये मैंने क्यों इंटर का अभी स्टार्ट किया ये क्रैश कोर्स वगैरह कि आपको कंसेप्चुअली आपको परफेक्टली बना के देना है सही है सोनो फिर तो फाइनल आंसर पे आप आ जाइए दिस इज योर
final answer of question number 2. Mayur Engineering. Statement showing valuation of WIP 31/12/2016. Job number है फ्रेंड्स आपका CW, जॉब नंबर 447. क्या दे रखा है आपको? जॉब नंबर 447. सही है सुनो. सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर राइट फ्रेंड्स. डायरेक्ट मटेरियल आपने कितना खर्चा किया था फ्रेंड्स बोलो. द कॉस्ट शीट ऑन 30th दिसंबर शोड डायरेक्ट मटेरियल एंड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 40,000 एंड 30,000. 40,000 एंड 30,000 ये 30th दिसंबर तक खर्चा किया और लास्ट डे 31st दिसंबर को द कॉस्ट इनकर्ड बाय द बिजनेस ऑन 31st दिसंबर 2016 द लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर विल बी 2008,000. It means 42 38 आपका हो जाएगा 80,000. This is prime cost. Then you go for indirect cost, factory overhead, 120% of 38,000. Factory cost. Okay, it means 38,000 into 1.2. 45,600 is 125,600. This will be your valuation of WI. Say yes. Perfectly clear हो रहा है कि statement showing this is your Mayur Engineering statement showing valuation of WIP 16. 30th दिसंबर तक आपने 40,000, 31st को 2, डायरेक्ट लेबर में 38, 42, 38, 80, फैक्ट्री ओवरहेड 120% एंड दिस विल बी योर फैक्ट्री कॉस्ट. 125,600 विल बी योर फैक्ट्री कॉस्ट. दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ योर. सो आपको क्या याद रखना है? इफ द रिकवरी डेट इज गिवन विद एक्चुअल एक्सपेंसेस, इफ द रिकवरी डेट इज गिवन विद actual expenses, then you should consider the recovery rate. Then you should consider the recovery rate and not the actual expenses. You should consider the recovery rate and not the actual expenses. Say yes or no. 125,600 will be your valuation of WI. बहुत अच्छा है, बहुत बेहतरीन आपको क्वेश्चन कराता हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर. कीप द रिकवरी रेट इज गिवन विद एक्चुअल एक्सपेंसेस, कंसीडर द रिकवरी रेट एंड नोट द
एक्चुअल एक्सपेंसेस, सही आंसर ना फ्रेंड्स, बोलो परफेक्टली क्लियर होना, ओके क्लियर हुआ फ्रेंड्स, दिस इज द वैल्यूएशन ऑफ, और ये चीज आपको ऑडिट पे भी आ सकती है करके, वैल्यूएशन करो वैल्यूएशन बराबर है कि नहीं है करके, फाइनल अकाउंट्स में भी आ सकती है वैल्यूएशन करके बताओ बराबर है कि नहीं वैल्यूएशन, तो आपको लॉजिक एकदम क्लियर होना चाहिए, ओके। अब आप आ जाइए फ्रेंड्स इसके ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड पेज नंबर 34 इन क्वेश्चन बुक, क्वेश्चन बुक में है आपका क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 34, सॉल्यूशन बुक में है क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 5.3, सॉल्यूशन बुक, क्वेश्चन बुक एंड सॉल्यूशन बुक, सही है सर, परफेक्टली क्लियर होना। इन ए फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब कॉस्टिंग सिस्टम, क्या फॉलो करती है जॉब कॉस्टिंग सिस्टम मेथड, एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्किंग प्रोसेस ऑन 30th September वॉज प्रिपेयर्ड एज अंडर, 30th September को उनका 3 जॉब है, जॉब नंबर 115 118 120, मटेरियल यूज हुआ है, डायरेक्ट लेबर आवर्स यूज हुए हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट हुआ है, फैक्ट्री ओवरहेड हुआ है, ये अभी तक का पोजीशन है 30th September, 30th September तक का आपके पास पोजीशन है, आपका जॉब 115 है, जॉब 11120 है, 118 है, 118 है और 120, 3 जॉब है। नाउ मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर, उसके बाद सितंबर के बाद हम लोग आगे अक्टूबर में, अक्टूबर में आपको मटेरियल का डिटेल दे रखा है कि भाई ये इशू किया, लेबर आवर्स का आपको डिटेल्स दे रखा है, ओके, इनडायरेक्ट लेबर का अपन को डिटेल दे रखा है, इनडायरेक्ट लेबर क्या होता है फैक्ट्री ओवरहेड, ऑलवेज ध्यान रखो, ए शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन अक्टूबर दैट द मटेरियल अंडर रिक्विजिशन नंबर 54 वॉज रिटर्न बैक टू द स्टोर, अब देखो 54 में उसने मटेरियल आपको इशू किया था, देखो जरा डायरेक्ट मटेरियल में, मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 54 जॉब नंबर 118 में 300 रुपीज का मटेरियल इशू किया था, वो क्या बोल रहा है, ए शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन अक्टूबर दैट द मटेरियल अंडर रिक्विजिशन नंबर 54 वॉज रिटर्न बैक टू द स्टोर्स एज बींग नॉट सुटेबल, तो जो 54 में आपने जो मटेरियल इशू किया था उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा एक्सपेंस में। ए मटेरियल ट्रांसफर नोट इशूड इन अक्टूबर इंडिकेटेड दैट मटेरियल इशूड अंडर रिक्विजिशन नंबर 55 फॉर जॉब नंबर 118 वॉज डायरेक्टेड टू 124, अब 55 में भी देखो जरा क्या आपने मटेरियल इशू किया है 55 में, देखो जरा क्वेश्चन में क्या आपने मटेरियल इशू किया है, यस 55 में भी किया है, किसको इशू किया था 118 को किया था, लेकिन हमने अब उसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया 124 को, तो इसके एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, 124 को चार्ज हो जाएगा। द आवरली रेट इन शॉप ए इज 3 रुपीज, बी इज 2 रुपीज, द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सेप्टेंबर, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, अक्टूबर में आपका वही रेट लगेगा, अक्टूबर में आपका वही रेट लगेगा जो आपका सेप्टेंबर में था, इसका मतलब सेप्टेंबर का जो रेट है रिकवरी रेट है वही अक्टूबर में जाएगा, और जब आपका रिकवरी रेट जाएगा इसका मतलब ये जो इनडायरेक्ट लेबर आपको दे रखा है दैट इज टोटली इरेलेवेंट, इनडायरेक्ट लेबर आपका क्या हो जाएगा इरेलेवेंट। द आवरली रेट ऑफ शॉप ए पर लेबर आर इज 3 व्हाइल बी इट इज 2, द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द रेट एट द सेम रेट एज इन सेप्टेंबर, जॉब 115 118 120 वर कंप्लीटेड इन अक्टूबर, यू आर आस्क टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ कंप्लीटेड जॉब, इट इज प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट 10% ऑफ द फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर एडमिन एंड सेलिंग एंड इनवॉइस द जॉब टू कस्टमर एट ए टोटल कॉस्ट प्लस 20%, वॉट वुड बी द इनवॉइस प्राइस ऑफ दीज जॉब,
तीन जॉब हैं आपके पास, 115, 118, 120. कौन कौन से जॉब हैं फ्रेंड्स? 115, 118, 120. अब ये अपने से क्या पूछ रहा है? ये अपने से पूछ रहा है इनवॉइस प्राइस. इनवॉइस प्राइस का मतलब क्या बोल रहा है वो, कि आपका जो टोटल कॉस्ट आएगा प्लस टोटल कॉस्ट आएगा उसमें यू एड 10%. इनवॉइस प्राइस आपका क्या रहेगा? इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट 10% ऑफ द 20%. क्या बोल रहा है? यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ द कंप्लीटेड जॉब. इट इज द प्रैक्टिस ऑफ द मैनेजमेंट टू पुट 10% फैक्ट्री कॉस्ट टू कवर द एडमिन एंड सेलिंग एंड इनवॉइस द जॉब टू कस्टमर ऑन टोटल कॉस्ट प्लस 20%. इसका मतलब टोटल कॉस्ट का 20% अगर आप एड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? इनवॉइस प्राइस. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टोटल कॉस्ट? कि जो आपका फैक्ट्री कॉस्ट आएगा उसका यू एड 10% फॉर एडमिन एंड सेलिंग. फैक्ट्री कॉस्ट अगर आपको निकाल लिया उस पर 10% आपने ऐड किया तो टोटल कॉस्ट मिलेगा. टोटल कॉस्ट का 20% करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? इनवॉइस प्राइस. ये आपको क्लियर हो रहा है? व्हाट डू मीन बाय इनवॉइस प्राइस? टोटल कॉस्ट प्लस 20%. व्हाट डू मीन बाय टोटल कॉस्ट? फैक्ट्री कॉस्ट प्लस 10%. नाउ व्हाट डू मीन बाय फैक्ट्री कॉस्ट? फैक्ट्री कॉस्ट मीन्स आपका डायरेक्ट मटेरियल. उसके लिए अपन नोट बना लेंगे, डिटेल्स अपने को दे रखा है. डायरेक्ट लेबर नोट बना लेंगे, डिटेल्स दे रखा है. अपने को मिलेगा प्राइम कॉस्ट. एड फैक्ट्री ओवरहेड. कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड? जो सितंबर में रेट था वही रेट अक्टूबर में लगेगा, वो क्वेश्चन में बोला है. तो आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एड ओपनिंग WIP, क्योंकि सितंबर का जो WIP है वो अक्टूबर में ओपनिंग WIP बनेगा. ये आपका क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट. सही है, सुनो. फैक्ट्री कॉस्ट एड 10%, एडमिन एड. तो पहले मैं फॉर्मेट आपको बना के दे देता हूं ताकि आपको एकदम समझ में आ जाएगा. सी ओके, एक एक चीज को अपन बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं. पूरा वर्किंग आप समझो जरा. हाँ फ्रेंड्स, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. आप जरा बहुत अच्छे से देख लीजिए. क्वेश्चन नंबर 3 आपको इस तरह से भी कर सकते हैं. वर्किंग नोट अपन बाद में बना लेते हैं, पहले एक बार अपन फॉर्मेट बना लेते हैं, या फिर आपकी मर्जी, आपके ऊपर है, जैसे भी आपको करना हो करके ना. ठीक है, इट मींस अगर आपको वर्किंग पहले करना है तो वो भी चलेगा, और अगर आपको ये करना है तो वो भी चलेगा. ठीक है, तो आपको चाहिए तो मैं पहले वर्किंग, क्योंकि सॉल्यूशन में मैंने पहले वर्किंग नोट दिया है, बाद में कॉस्ट शीट बनाई है. पहले मैं यहाँ पे कॉस्ट शीट बना देता हूँ, बाद में वर्किंग दे दूँ. ठीक है, इट मींस विच कंपनी इज दिस? आप आ जाइए, दिस इज योर. एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिए, फॉर्मेट पूरा समझ लीजिए. राइट, इट मींस इन ए फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब. ओके, इट मींस दिस इज योर. Statement showing job cost sheet for job cost sheet okay friends. अब आप आ जाइए, जॉब नंबर 115 118 120. Direct cost.
डायरेक्ट मटेरियल, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं अपन ना, डायरेक्ट मटेरियल रिफर नोट नंबर वन, डायरेक्ट लेबर रिफर नोट नंबर टू। डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, फिर भी बना लो आप ना, डायरेक्ट एक्सपेंस नोट नंबर थ्री है नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंस तो नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा क्वेश्चन में, अननेसेसरी नहीं लिखो करके, ये आपका हो जाएगा प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट वन इनडायरेक्ट कॉस्ट सेकेंड राइट, फैक्ट्री ओवरहेड नोट थ्री, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यहां तक आपको क्लियर हुआ? बोलो अपने पास कौन कौन से जॉब है, 115, 118, 120, तीन जॉब है। इन ए फैक्ट्री फॉलोइंग द जॉब कॉस्टिंग सिस्टम एन एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्क इन प्रोसेस ऑन एज एट 30th सितंबर वाज प्रिपेयर्ड एजेंडा। जॉब नंबर 115, 118, 120, मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट है, फैक्ट्री ओवरहेड है। मटेरियल यूज इन अक्टूबर वर एज फॉलोज, मटेरियल रिक्विजिशंस नंबर अपने को दे रखा है। पहला अपना आ जाएगा दिस इज डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नोट नंबर वन, दिस इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट नोट नंबर टू, प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड नोट नंबर थ्री एंड क्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। सही है सर, ओके विल कंटिन्यू दिस। ये आपका ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट एंड ओपनिंग WIP रिफर नोट नंबर फोर। क्लोजिंग WIP कुछ भी नहीं है, आपका क्या हो जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में फ्रेंड्स उसने क्या बोला है, फिर क्वेश्चन में देखिए जरा, फैक्ट्री कॉस्ट इज द क्वेश्चन क्या दे रखा है आपने, फैक्ट्री कॉस्ट एंड देन 10% टू एडमिन एंड सेलिंग, एडमिन सेलिंग ओवरहेड 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। सुनो, दिस विल बी योर टोटल कॉस्ट, देन 20% इज ए प्रॉफिट, टोटल कॉस्ट प्लस कस्टमर प्रॉफिट 20% ऑफ टोटल कॉस्ट, दिस विल बी योर इनवॉइस प्राइस। ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, परफेक्टली क्लियर होना, ये आपका जॉब 115 कंटिन्यू कर रहे हो, ये अपन 118 एंड 120 वहां पे प्लेस नहीं था इसके लिए मैंने कंटिन्यू कर दिया है। सही है सर, पहले आप ये बताइए आपको फॉर्मेट क्लियर हुआ कि डायरेक्ट मटेरियल आपका आ गया, डायरेक्ट लेबर आपका आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया,
फैक्ट्री ओवरहेड। अब फैक्ट्री ओवरहेड में वही जो सितंबर में मीन्स एक्चुअल एक्सपेंसेस नको, एक्चुअल एक्सपेंसेस नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे जो वो है, ठीक है। उसके बाद आप आ जाइए फ्रेंड्स ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी, फैक्ट्री कॉस्ट, एडमिन ओवरहेड, टोटल कॉस्ट, प्रॉफिट 20% एंड इनवॉइस प्राइस। परफेक्टली क्लियर होगा बताइए। अब इसके वर्किंग नोट अपन बना लेते हैं। नंबर वन, शांति से धीरे धीरे, दिस इज योर नोट नंबर वन, दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। और वी आर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, अक्टूबर में डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 115, 118, 120। ओके, सबसे पहले इशू आप जरा देख लीजिए, एक एक पॉइंट को ध्यान से जरा समझिए करके ना फ्रेंड्स, तभी क्लियर हो पाएगा। ओके, एक एक पॉइंट को आप जरा ध्यान से समझिए तभी जाके वो एकदम क्लियर हो पाएगा। सही है सर। ऑलराइट, देखिए जरा, इन फैक्ट्री फॉलोइंग जॉब कॉस्टिंग मेथड एंड एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम द वर्किंग प्रोसेस एज इन 30th September वॉज प्रिपेयर्ड एज अंडर जॉब नंबर मटेरियल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फैक्ट्री ओवरहेड मटेरियल यूज्ड इन अक्टूबर वर एज फॉलोज मटेरियल रिक्विजिशन नंबर 54, दिस इज योर रिक्विजिशंस नंबर 54। क्या मटेरियल आपने इशू किया है, इशू किया है आपने 118 को, 118 में आ जाएगा 300। देन फिर आपने इशू किया है 55 118 को 425, देन 56 118 को 515, देन 57 120 को 665, 58 121 को वो हमारे में इरेलीवेंट है, और 59 वो भी हमारे लिए इरेलीवेंट है। सही है सुनो फ्रेंड्स, क्योंकि 124 पर, तो ये हमारा टोटल हो गया। अब इसमें अपने को देखना पड़ेगा कि रिटर्न वगैरह कुछ है क्या। यस, आ जाइए नेक्स्ट पेज पे फ्रेंड्स। इस शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड, देखो जरा मैंने बताया था ना आपको, इस शॉप क्रेडिट स्लिप वॉज इशूड इन अक्टूबर दैट मटेरियल अंडर रिक्विजिशन नंबर 54 वॉज रिटर्न बैक टू द स्टोर्स। इट मीन्स दिस इज योर Return back to store 54, कौन सा था 300, आपको क्रेडिट मिल जाएगा 54, return back to stores as being not suitable. A material transfer note issued in October indicated that material issued under requisition number 55, job 118 directed to, इट मीन्स 55 जो आपने इशू किया था वो कहाँ भेज दिया हमने 124 में, तो हमको तो क्रेडिट मिल जाएगा ना उसका 425। सही है सर, ये आपका आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड नील, ये आपका आ जाएगा 515, और ये आपको आ जाएगा 515, 615। सही है, परफेक्टली क्लियर, आपका मटेरियल कंज्यूम्ड हो जाएगा 515 and 665। सही है,
परफेक्टली क्लियर, नो कंफ्यूजन। तो आपका मटेरियल आ जाएगा 515, दिस इज योर डायरेक्ट मटेरियल नील 515 एंड 515 एंड 665, देख लीजिए 515 एंड 665। ऑलराइट फ्रेंड्स, अब आ जाइए आप नोट नंबर टू। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, नोट नंबर टू इज ए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स अपने को, इस समरी ऑफ लेबर आवर्स डिप्लॉयड ड्यूरिंग अक्टूबर इज एज अंडर शॉप ए एंड शॉप बी। दो तरह के हैं अपने पास, शॉप ए एंड शॉप बी, जॉब नंबर 115 118 120, ठीक है। शॉप ए शॉप बी 25 आवर्स, शॉप ए 25 आवर्स, शॉप बी दे रखा ना फ्रेंड्स। 115 में शॉप ए के 25 आवर्स, शॉप बी के 25 आवर्स, 118 में 90 90 एंड 30, देन 75 एंड 10। रेट पर आर आपको क्या दे रखा है वो आपको रेफर करना पड़ेगा, रेट पर आर। द आवरली रेट ऑफ शॉप ए इज, नेक्स्ट पेज पे आप देख लीजिए, आवरली रेट ऑफ शॉप ए इज 3 and 2 3 and B is 2 3 2 3 2, 75 50 125, 270 60 330 225 120 245 125 330 245 125 330 245, it means 125 then 330 and 245, ये दोनों मिलके आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, दिस विल बी योर प्राइम कॉस्ट। और योर प्राइम कॉस्ट इज 125 515 plus 330 is 845 665 plus 245 is 90, say yes, that is the most important thing। यहां तक आ गया फ्रेंड्स 125 845 910। अब आ जाइए फ्रेंड्स आप नोट नंबर थ्री। Now your note number 3, this is note number 3, note number 3 में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स देखो जरा, नोट नंबर 3 में क्या देगा, यू आर आस्क्ड टू कंप्यूट द फैक्ट्री कॉस्ट। ओके, द फैक्ट्री ओवरहेड इज अप्लाइड एट द सेम रेट एज इन सेप्टेम्बर, सेप्टेम्बर में जो रेट था वही आपको अक्टूबर में भी फॉलो करना है। जो रेट आपका सेप्टेम्बर में था, जो रेट आपका सेप्टेम्बर में था वही रेट आपको अक्टूबर में भी फॉलो करना है। सेप्टेम्बर वाला जो रेट था वही आपको अक्टूबर में, अब सेप्टेम्बर में क्या था आपका, सेप्टेम्बर
In the absence of information, we are assuming factory overhead recovery rate equal to factory overhead divided by wages into 100. September में assuming factory overhead divided by wages into 100. ठीक है, 115, 118, 120, ये सितंबर का रेट निकाल। कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स, अब आ जाइए आप, क्या दे रखा है आपको फैक्ट्री ओवरहेड, व्हाट इज द फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड है आपका 640, देन 400, उसके सामने आपका वेजेस क्या था 800, उसके सामने आपका वेजेस क्या था 500, उसके सामने अपना वेजेस क्या था 475। 640 डिवाइडेड बाय 800 इनटू 100 इज 80%, 400 डिवाइडेड बाई 500 इंटू 100 इज 80%, 380 डिवाइडेड बाई 475 इंटू 100 इज 80%। अब यही रेट आपका कहाँ अप्लाई हो जाएगा, इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, 115, 118, 120। फर्स्ट यू फाइंड आउट व्हाट इज योर वेजेस, देन यू मल्टीप्लाई बाय 80% एंड फिर आपको आएगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब आप देख लीजिए आपका वेजेस क्या था, आपका वेजेस था 125, 330, 245, 125, 125, 330 and 245 into 80%. Total 125 into 0.800, 330 into 0.8 264, 245 into 0.8, 196, 100, 264, ये आपका आ जाएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इसी से एग्जामिनर को पता चलेगा कि यू आर फ्रॉम लर्निंग कॉस्ट। इफ द रिकवरी रेट इज गिवन विद एक्चुअल एक्सपेंसेज, वी शुड कंसिडर ओनली द रिकवरी रेट, नॉट द एक्चुअल एक्सपेंसेज। जो इनडायरेक्ट लेबर आपको यहां पे दे रखा है, दैट इज ए पार्ट ऑफ योर, दे रखा ना इनडायरेक्ट लेबर जो आपको दे रखा है वो आपको किसके लिए है, इनडायरेक्ट लेबर आपका किसके लिए है, इनडायरेक्ट लेबर है आपका दैट इज फॉर फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड हमको नहीं लेना है, क्योंकि हमको क्या दे रखा है, रिकवरी रेट विद एक्चुअल एक्सपेंसेज है। यू शुड कंसिडर द रिकवरी रेट, नॉट द एक्चुअल एक्सपेंसेज। अब आप आ जाइए, then this is 100, 264 and 196, देखो 100, 264, 196, it means 125, 100, 5, 845, 64, 910 plus 196, 1106। सही है सर, यहां तक क्लियर हुआ कि
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट था आपका, फैक्ट्री ओवरहेड वाला पार्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट ये था। द रिकवरी रेट इज गिवन विद एक्चुअल एक्सपेंसेस, टेक द रिकवरी रेट नॉट द एक्चुअल एक्सपेंस, मीन्स 225, 225, 1109, 1109 एंड 1106, 225, 1109 एंड 1106। सही आंसर नंबर। अब आप आ जाइए वेरी सिंपल नोट नंबर 4। दिस इज योर नोट नंबर 4, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग डब्ल्यू आई पी। वन वन फाइव, वन वन एट, 120। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड। अब सितंबर तक का जो आपका, सितंबर तक का जो आपका खर्चा हुआ था, अप टू सितंबर तक का जो खर्चा हुआ वो अक्टूबर के लिए क्या बन जाएगा? ओपनिंग डब्ल्यू आई पी। क्या है फ्रेंड्स, देखो जरा, 1325, 810, 765, 800, 500, 475, 640, 400, 380। इट मीन्स 1325, 800, 640, 2765, 810, 500, 400, 765, 475, 380, 2765, 1710। ये आपका क्या हो जाएगा? दिस इज द ओपनिंग डब्ल्यू आई पी। क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी ऑफ सेप्टेंबर, क्लोजिंग डब्ल्यू आई पी ऑफ सेप्टेंबर बिकम्स द ओपनिंग डब्ल्यू आई पी ऑफ अक्टूबर। ओपनिंग डब्ल्यू आई पी ऑफ अक्टूबर ले लीजिए आप, इट मीन्स 2765, 1710, 1620, राइट? इट मीन्स 225 प्लस 2765 इज 2990, राइट? देन 1109 प्लस 1710 इज 2819, 1106 प्लस 1620 इज 2726। अब उसके ऊपर यू चार्ज 10% ऑफ 2990, 10% ऑफ 2819, 10% ऑफ 2726। 2990 इंटू 10% इज 299, 2819 इंटू 10% इज 282, एंड 2726 का 10% इज 273। इट मीन्स 2990 प्लस 299 इज 3289, 2819 प्लस 282 इज 3101, 2726, 273 इज 2999। सही आंसर। देन एड 20%, 3289 का 20%
3101 का 20%, 2999 का 20%, 3289 का 20% is 658, say yes or no, and total is 3947. Then 3101 का 20% is 620 and 3721 and 2999 का 20% is 599 or you can write 600 round off करके. Then 2999 plus 600 will be 3599. ये आपका एक पार्ट इनवॉइस प्राइस आ गया. तो ये सुनो फ्रेंड्स, मीन सितंबर तक का जो भी आपने किया था वो अक्टूबर के लिए क्या बन जाएगा, आपका सितंबर तक का जो भी आपने किया था वो अक्टूबर के लिए क्या बन जाएगा, सितंबर तक का जो भी आपने किया था वो आपके लिए अक्टूबर में बन जाएगा ओपनिंग डब्ल्यू आई. मेटेरियल है उसके लिए हम लोगों ने वर्किंग नोट बना लिया पूरा, देन लेबर के लिए वर्किंग नोट बना लिया, देन ये आपका ओवरहेड के लिए बना लिया, ओपनिंग डब्ल्यू आई पी के लिए बना लिया, चारों आ गए, फिर आपको स्टेट समझा कर. ओके, परफेक्टली क्लियर, बहुत ही अच्छा समय एग्जाम में पूछा हुआ है. ओके, बहुत ही बेहतरीन समय. ओके, इतना जरा करिए आपका.